वक्त की रफ्तार। ये धुन तो मैंने कहीं सुनी है, शायद शायद बचपन में। सुनिए, कौन है आप बताइए ना, कौन है आप? तुम्हें कुछ याद नहीं आता? मेरी बदकिस्मती, कौन है आप लोग? हम जो कोई भी हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम बाप बेटी को मिला दें। बाप, बाप बेटी, ये सब क्या है? जी हाँ रजनी जी, जो आपके सामने खड़े हैं ये कोई और नहीं है, आपके बदनसीब पिता हैं। बदनसीब बाप हूं बेटी, आंसू की यही धुन सुना के बचपन में मैं तुम्हें सुलाता था। तू मेरे गोद में सोती थी बेटी, याद आया? पापा, पापा, बेटी, पापा, मेरी बच्ची, बाबूजी। हाँ। आप कहाँ खो गए थे, कहाँ चले गए थे? मैं कहीं नहीं गया था बेटी, जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन तेरे माँ ने तेरे जिंदगी से मुझे हटा दिया। बाबूजी, क्या कभी आपको मेरी याद नहीं आई, मुझसे मिलने की इच्छा नहीं हुई? बहुत इच्छा हुई थी बेटी, मैंने कोशिश भी बहुत की थी, लेकिन नदी के दो किनारों की तरह तेरे माँ ने हम दोनों को कभी मिलने नहीं दिया। लेकिन आज, हाँ, आज, आज इन बच्चों ने हमें मिला दिया बेटी, इन बच्चों ने हमें मिला दिया। आप लोग? मैं मंथन, मैं विक्रांत। मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर मैं जिंदगी में आपके किसी काम आ सकूं तो ये मेरी खुश नसीबी होगी। बाबा, बेटी, बेटी, रो मत बेटी, रो मत, आज तो खुशी का दिन है, ये खुशी के पल इन आंसुओं में मत बहा। मेरी बच्ची, कहाँ थी तुम अब तक? कहाँ से आ रही हो? भट साहब की छुट्टी में क्यों नहीं गई? मेरी सवाल का जवाब दो।
सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मम्मी। उस दिन जिस आदमी को आपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया था वो कौन था? कौन सा आदमी? जिसे उस दिन आपने मुहूर्त पे धक्के मारकर बाहर निकलवाया था। था कोई भिखारी? ऐसे तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं हमारी जिंदगी में। अब मैं एक काम करूं, जल्दी जाओ, शूटिंग के लिए देर हो रही है। देर तो मुझे हो गई है मामा, तुम्हें समझने की। अगर मेरा बाप एक भिखारी है तो मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं आएगी कि पहले मैं एक भिखारी की बेटी हूँ और बाद में एक हीरोइन। रजनी! हाँ मम्मी, तुमने अपने स्वार्थ और लालच के लिए और इस सपनों की दुनिया के लिए मुझे मेरे बाप से दूर रखा। तुम्हें ये सपनों की दुनिया मुबारक हो। मैं अपने बाप के पास वापस चली जाऊंगी। रजनी, ऐसे कैसे जाओगी तुम? अब तुम एक हीरोइन हो, किसी एक आदमी की नहीं हो सकती। तुम करोड़ों आदमियों की चाहत हो। Do you understand that? Yes. कितने शर्म की बात है कि हम करोड़ों लोगों के लिए सुनहरे पर्दे पे एक आदर्श चरित्र को निभाते हैं, लेकिन असली जिंदगी में हम कितने खोखले हैं। देवी, अभी तुमने जिंदगी देखी ही कहा। महात्मा, तुम्हारा बाप 10 लोगों के बीच बैठकर बांसुरी बजाता था। मैंने तुम्हें बनाया है। तुम्हें ये स्टारडम, ये स्टेटस, सब कुछ मैंने दिलाया है। I made you. You are what you are because of me and only me. Do you understand that? Yes. Only because of you. मैंने अपनी जिंदगी की एक अहम चीज को खो दिया, अपने बाप को, only because of you. Really? बेवकूफ लड़की, ये तुम्हारी जो बातें हैं nonsensical बातें, इनको इन चार दीवारों में रहने दो, वरना तुम्हारी और मेरी जिंदगी मिट्टी में मिल जाएगी। समझ गई? And now go, get ready and shooting पे चले जाओ। भूल जाओ इन बातों को, बेवकूफी है। Get out. मामा, बहुत महान है आप, बहुत महान, जिसने अपने मतलब के लिए एक बेटी को हीरोइन बनाया और एक बाप को भिखारी और दोनों को जुदा कर दिया। जो आपने किया है ना मामा, उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी, भुगतनी पड़ेगी उसकी सजा आपको। माँ, नंदू का खाना भी लगा देना, आज वो यही खाना खाएगा। कैसी रही? यार तू कमाल का आदमी है। तेरे को मालूम नहीं था? मेरे को मालूम था, लेकिन तू इतना कमाल का आदमी होगा ये नहीं मालूम था यार। You've done it यार, वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ और इतने कम समय में। अब तू मुझे हैंडल मार रहा है? नहीं, सुन ले बात, मेरी गाड़ी बेलॉयल ने और चल रही है। नहीं, मैं तुझे हैंडल नहीं मार रहा हूँ, सीरियसली देख, रजनीगंधा इज अ स्टार। उसके पास पहुंचते हुए लोग डरते हैं, उससे बात करने से पहले कांपते हैं लोग यार, लेकिन तू उसके पास गया, तूने उससे बात की, मतलब इतनी कॉन्फिडेंटली तूने सब कुछ कर दिया, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया और आज हम दोनों ने रजनीगंधा और उसके बाप को मिला दिया यार। ग्रेट, इट्स ग्रेट यार। नहीं, वाकई में बेटी को अपने बाप से मिला दिया, बहुत अच्छा हुआ यार। बट नाउ अब है हमारा दूसरा टारगेट। दूसरा टारगेट रजनीगंधा का कॉन्फिडेंस हमने जीत लिया है। अब हमें उसके जरिए ये पता करना है कि विलास राज जी कहां है, क्या हुआ उनका। Where is he? आज भी देश रत्न खानदान विलास राज का इंतजार कर रहा है।
रजनी क्या हुआ? मम्मी, विलास, विलास। रजनी, ये क्या पागलपन है? मेरा तो दिमाग हटने लग गया है। ये विलास का भूत तुम्हारे सर से कब उतरेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। रजनी, ये क्या पागलपन है? वहम की भी एक हद होती है। अरे क्या, रात के 10:30 अभी बजे नहीं और तुम सोने जा रही हो? जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ? अब कहाँ जाना है? तुम्हें कहीं जाना नहीं है मोहतरमा, तुम्हें मिलने घर मेहमान आ रहे हैं। मुझे किसी से नहीं मिलना है मामा, मुझे बस सोना है। और बैठो। मम्मी, क्या है? मुझे आंखें मत दिखाओ पागल लड़की, तुम्हें मिलने डीएम साहब आ रहे हैं। कह दो उनसे अगर मुझे मिले तो सुबह मिले या फिर किसी सेट पर आए। मतरमा, वो डीएम साहब हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो मिलने तुम्हें यहाँ इस घर पर आ रहे। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। मम्मी, मुझे किसी से नहीं मिलना, आपने क्या मुझे ऐसी ऐसी लड़की समझ रखा है? रजनी, ये नखरे बंद करो और जाओ, जाकर डीएम साहब के तैयार हो जाओ। और डीएम साहब के लिए तैयार होकर मुझे क्या करना होगा? तुम इतने भी नादान नहीं हो कि ये भी मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम्हें क्या क्या करना होगा? मम्मी, हेलो। हाँ सितारा जी। नमस्ते डीएम साहब, मैं सितारा ही बोल रही हूँ, कहिए। भाई, हम यहाँ से निकलकर रजनी के पास आने के लिए बेताब हो रहे हैं। किसी तरह शाम ढलने का इंतजार तो कर लिया, अब और इंतजार नहीं हो रहा, बस हम पहुंच ही रहे हैं। अजी डीएम साहब, इसमें पूछने की क्या बात है? आज शाम से इस रात का हमको बेसब्री से इंतजार है। इंतजार आपको नहीं, रजनी को करना चाहिए। वो क्या है डीएम साहब, पता नहीं क्या बात है, रजनी का आज मूड कुछ ज्यादा कुछ ठीक लग। अरे मूड तो मारिए गोली, हम अच्छे अच्छों का अच्छा मूड खराब करने के लिए बहुत मशहूर हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो खराब मूड में भी गुलाब के फूल खिला सकते हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन आज हम आपको दिखा देंगे, ये आप सब हम पर छोड़िए, हम आ रहे हैं और देखिए कि हम क्या करते हैं। हाँ, हम आ रहे हैं। आइए डीएम साहब। अच्छा जी, थैंक यू। नंदू, तुम यहाँ क्या कर रहे? चाबियां लौटाने आया हूं। लेकिन तुम्हारी ड्यूटी तो अभी खत्म नहीं हुई ना? मैं जानता हूं। तो फिर यहां क्या कर रहे? जाओ, जाकर साहब की गाड़ी साफ करो, डीएम साहब शहर पर जाएंगे। मधुकर, तुम साहब के करीब हो, तुम ही उन्हें समझा सकते हो कि इस तरह आधी रात की सफर उनकी सेहत के लिए और उनकी इज्जत के लिए ठीक नहीं है। नंदू जी वाह, क्या बात है हुजूर आपकी, यानी कि अब आप इतने बड़े हो गए कि आप डीएम साहब को समझाएंगे कि क्या गलत है क्या सही, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वाह हुजूर वाह, क्या बात है। नहीं नहीं, मेरी हैसियत ही क्या है? जब तुम जानते हो कि तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं है तो अपनी हैसियत से बढ़कर बात मत करो, अपनी हैसियत में रहो नंदू, अपनी हैसियत में। मैं अपनी हैसियत में रहकर ही बता रहा हूं कि आपके और मेरे साहब आज रात रजनीगंधा के घर जा रहे हैं। तो जाने दो ना, तुम्हें क्या तकलीफ है?
हाँ, अगर आपका आदेश हो तो मैं डीएम साहब से जाकर ये कह सकता हूं कि हुजूर, नंदू जी का हुक्म है कि आज आप रजनीगंधा के यहां मत जाइए, क्योंकि रजनीगंधा के यहां आने का मन आज नंदू जी का है। मधुकर, ये मजाक नहीं है। देखो नंदू, एक तो तुम अपनी हैसियत से बाहर जाकर बात कर रहे हो, और दूसरे तुम चोरी चोरी वहां खड़े होकर डीएम साहब की बातें सुन रहे थे, और तीसरे तुम हम लोगों को नसीहत दे रहे हो। देखो, ड्राइवर का काम होता है सिर्फ आगे वाली सीट पर बैठना। अपनी असली जिंदगी में आगे बैठना तो क्या, आगे खड़े रहने की भी कोशिश मत। ड्राइवर की सीट पर आगे बैठकर अपनी आंखें खुली रखो सिर्फ सामने वाला ट्रैफिक देखने के लिए, और अपने कान खुले रखो पीछे से आने वाली गाड़ियों के हॉर्न सुनने के लिए। और सामने लगा आईना सिर्फ इसलिए होता है नंदू कि ड्राइवर पीछे से आने वाली गाड़ियों को देख सके। पिछली सीट पर क्या हो रहा है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, समझे? अब जाओ यहां से। और सुनो, ये अपना हुलिया हुलिया भी जरा सुधारो। अरे यार, तुम्हारी शक्ल देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारा बाप मर गया।